अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरा नदीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने किचन में और मैं आपके लिए एक जबरदस्त चीज बना रही हूँ, कटलस। देखिए मेरे पास ये मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। इन आलू को मैं मैश करूंगी, मैश करके फिर उसके बीच में ये कीमा भरूंगी। फिर ये तो मैं आपको पूरी रेसिपी दिखाती हूँ। मैंने हाथ धो लिए हैं अच्छी तरह से और अब मैं, क्योंकि चम्मच से सही तरह मैश नहीं होगा, तो हाथों से मैं इसको मैश करके अच्छी तरह, जब भी खाना बनाएं हाथ पहले धो के साफ कर लें, उनको अच्छी तरह से ड्राई करके और फिर खाना बनाएं। सब आलू मैं मैश कर लेती हूँ। ये देखें, मैंने अच्छी तरह से इसको मैश कर दिया। ये आलू हो गए मैश। जैसे आटे को गूंथते हैं, इसको बिल्कुल कोई गुठली ना हो, गुठली होगी तो फिर इसका टेस्ट खराब होगा। अब इसमें मुझे डालना है, ज़्यादा मसाले नहीं डालने क्योंकि कीमे में पहले पड़े हैं। ये है थोड़ी सी आपने डाल दी नमक, ये है सफ़ेद जीरा और ये है चाट मसाला। ये तीनों चीज़ें आपने मिक्स कर दी और इसको डाल के फिर आपने मिलाया। अगर आपको ज़्यादा मिर्ची खाने का शौक है तो आप कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। हमने जो कीमा बनाया, पहले हमने कीमे को आपने बॉयल कर लेना है, उसको अच्छी तरह से प्याज अदरक लहसुन डाल के बॉयल करना है और उसको फिर भूनना है। भून के नमक लाल मिर्च धनिया पाउडर ये डाल के अच्छी तरह से भून लेना है। आप डालना चाहे मटर भी डाल दें उसमें और थोड़ा सा इसमें तेल डाल के आपने भून लेना है। इसको भून के आपने साइड पे कर देना है। इसको ज़्यादा आलू को नहीं लेना क्योंकि इसमें हमें अंदर ये भी भरना है, ये हमारे आलू, ठीक है। और इसमें हमने ये जो हमारा कीमा बना हुआ है इसको हमने डाला, देखें लेकर ये कीमा डाला और इसके बाद ये मैंने प्याज हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्च इसको काट के रख दिया और इसमें लीमू मिक्स कर दिया, एक लीमू डाला कि इसकी जो खटास आएगी ना वो बहुत मज़े की लगती है जब ये मिक्स होते। ये हमने इसके अंदर इसके मैं कह रही पेट में भर दिया, आलू के पेट में भर दिया। अब हमने इसको बंद करना है। ये बन गया जबरदस्त सा कटलस। आप थोड़ा सा पानी साथ में रख सकते हैं या तेल रख सकते हैं कि इसको अच्छी तरह से, ये देखें बक चुका, ये सारा हमारा कटलस, इसका पेट भर गया कीमे से और प्याज से। इसको हमने यहाँ रखते जाना है और फिर इसको हम अंडा लगा के अंडे में थोड़ा नमक और काली मिर्च डालेंगे और फिर हम इसको अंडे में, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको कि किस तरह मैंने फ्राई किए, ठीक है जी। जनाब मेरे कटलस बन गए, ये देखें इनको मैंने बना लिया है वैसे जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इसमें कीमा भरा प्याज भरी और इनको हमने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने एक ये अंडा, इसमें नमक थोड़ा और काली मिर्च डाल के इसको फेंक दिया, अच्छी तरह फेंक दिया। ब्रेड क्रम्ब भी लगाते हैं लेकिन अभी मेरे पास ब्रेड क्रम्ब मौजूद नहीं है इसलिए मैं इसके बगैर बना रही हूँ। तो ये हमने तेल इसको रखा, ज़्यादा तेल हम नहीं डालेंगे क्योंकि फिर वो खुलने लगते। ये तेल हमने गर्म करना है और इसमें जो ये हमारा अंडा फेंटा हुआ है इसको अच्छी तरह इसमें डिप करके, ये देखिए ऐसे डिप किया, इसको डिप करके और इस तेल में हमें ये डाल देना है। इसी तरह आपने करते जाने हैं। ये अब ये बनते जाएंगे, एक और डाल देती हूँ जगह है। ये एक और डल गया। खाने में बहुत अच्छा बनता है, आप एक दफा ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा होता है, मजा आ जाता है। और ये भी आप कर सकते हैं कि आपका, आपने एक दिन कीमा बनाया वो बच गया तो उसको आपने दूसरे दिन दूसरे तरीके से बनाना है कि बच्चे तो घर में एक जो एक दिन की चीज बनी होती है दूसरे दिन खाते हुए जरा नखरे करते हैं, तो फिर आपने वो जो बचा हुआ कीमा है उसी को जरा ड्राई कर लेना है और इस तरह आपने आलू को बॉईल करके और इसी में वो कीमा भर के और ये कैसे भी ट्राई करनी है कि आपने बहुत सी जगह पे जब कीमा बचता है तो हम स्पैगेटी में डाल देते हैं
ये एक और बहुत अच्छी है रेसिपी है कि इसमें आपने कीमे के अंदर भर के, कीमा इसके अंदर भर के और एक नई डिश बना लेनी है। तो जी अभी ये फ्राई हो रहे हैं और इसको एक मीडियम आंच पे तलेंगे, ज्यादा तेज और ज्यादा कम पे नहीं, मीडियम पे। चलिए थोड़ा टाइम लेते हैं फ्राई होने में क्योंकि अंदर कीमा है और वो जो भी चीजें भरी हुई है, प्याज, हरा धनिया, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और नींबू, नींबू जरूर इस्तेमाल कीजिएगा कि नींबू से जो फ्लेवर आता है ना खट्टा खट्टा, वो बहुत मजे का लगता है। जी तो ये हमारे आलू के कटलेट तल रहे हैं। तैयार होने को अब ये कटलेट निकलने को तैयार है। अगर ब्रेड क्रम्ब लगा लें अंडा लगाने से पहले और साथ में अंडा लगाए तो वो ज्यादा अच्छा क्रिस्पी बनते। तो ये मैं अब कटलेट निकाल रही हूँ। जी जनाब ये देखिए हमारे कटलेट तैयार हैं और इसके साथ ये हमारी पुदीने की चटनी और बाकी के कटलेट में बाद में बनाऊंगी कि मैं आपको सिर्फ ये दिखा दूं कि किस तरह से बने। आई होप आपको अच्छे लगेंगे जब आप बनाएंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट से हिम्मत मिलती है और मैं कोशिश करूंगी कि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज बनाऊं और अच्छी अच्छी रेसिपीज आपको बताऊं। The office.